Hello everyone, this is Rajtanil Solanki here. I am currently working as Assistant Commissioner, IRS Custom and Central Excise in Madurai Commissionerate. So, आज हम ज्योग्राफी के कुछ हंड्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट दोज टॉपिक, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर UPSC सिविल सर्विसेज. जैसे ही हम ज्योग्राफी के प्रिपेयर करने के लिए कोई भी बुक लेते हैं, राइट, सो देर आर टू आस्पेक्ट टू प्रिपेयर ज्योग्राफी. वन इज़ अ स्टैटिक आस्पेक्ट, अदर इज द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, और आई वुड से द अप्लाइड आस्पेक्ट. So static aspect is the foundation of the geography, it's a theory or concept or phenomena of the geography, and the applied part is the application of theories or application of those phenomena or foundations or theories of geography in the real world situations. So whenever you pick up a book, you start reading theories and you start reading concepts, but sometimes you never give attention to those practical aspect or applied part of the geography. For an example, I start study ocean geography, oceanography, and I pick a topic of ocean currents. I study all the ocean currents of the three oceans, but applied question would be asked something like why? Some ports, why the ports of Western Europe, or I would say Northern Western Europe, stay ice free in during winters and not the ports located on Canada or Russia, despite located on the same latitude. The reason is the warm Atlantic drift current. So whenever I study ocean currents, I should also keep in mind the implication of those warm or cold current in the real world, right? So in another example I can give is about Indian geography. In Indian geography we study agriculture में different crops के बारे में पढ़ते हैं, the requirements of those crops. अब उस crop की requirement तो मैंने पढ़ ली, लेकिन applied question आता है कि why there's a shift of sugarcane plantation from north to south, that is from UP to Tamil Nadu. So उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि उस particular sugarcane crop की requirement क्या है, soil environment, and what is a characteristic of Tamil Nadu, उसकी soil environment क्या है. So this, after knowing this basic thing, I can apply this knowledge. So geography में जैसे, क्योंकि कोई जो भी books मिलती है market में, उसमें ये segregation नहीं होता है static part और applied part. This is something we need to develop by ourselves. हमें जब भी theory हम पढ़ रहे हैं, तब हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि what can be the practical aspect of these theories, उसका क्या क्या real world situation में implication हो सकता है, and vice versa. जब भी मैं news में पढ़ती हूँ अबाउट सम ज्योग्राफिकल न्यूज़, सपोज़ कहीं पे अर्थक्वेक हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, ड्रॉट आ रहा है, तो उसके पीछे क्या ज्योग्राफिकल कंसेप्ट और थियोरीज जो है उसके पीछे हो सकता है. सो आई शुड लर्न और आई शुड प्रिपेयर ज्योग्राफी इन दिस मैनर. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी. सो अगर मैं अटैम्प्ट दे रही हूँ तो मैं कौन कौन से टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट और आई विल टेक अप अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफिकल टाइम स्केल. नाउ ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पर डायरेक्ट कोई प्रीलिम या मेंस में क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ गोंडवाना रॉक्स, तो पता ना होना चाहिए अबाउट दिस नोमेनक्लेचर्स, राइट. एटलीस्ट इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमें ये टाइम स्केल पता होना चाहिए. सेकेंड टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और उसमें मैं सब टॉपिक में लूँगी सिस्मिक वेव स्टडी. सिस्मिक वेव स्टडी एज अ टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो स्टडी के वजह से हमें थोड़ा कॉन्क्रीट डेटा मिला अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो वो एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज द डिफरेंट स्फियर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नाउ लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर्स, अपर मेंटल, इनर मेंटल, कोर. नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट. सो इवन उनकी इस एरिया की अंडरस्टैंडिंग जो है हमें प्लेट टेक्टोनिक्स को अंडरस्टैंड करने में भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये दो टॉपिक्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ में से इम्पॉर्टेंट है. अदर इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ दिस एरिया इज बिट टेक्निकल बट इट्स अनएक्सप्लोर्ड एरिया, सो यू नेवर नो, कोई शॉर्ट नोट आ सकता है UPSC मेंस में. देन द नेक्स्ट इज थियरीज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. सो देर आर फोर मेन थियरीज इन फिजिकल ज्योग्राफी. First is Wegener's continental drift theory. Second is convection cell theory of Arthur Holmes. Third is the sea floor spreading theory, and fourth is plate tectonics. Now Wegener's continental drift theory has been asked
in UPSC mains, I think it's 2013. So it is important, but I think Arthur Holmes convection cell theory and seafloor spreading theory aaj tak nahi puchi hai, it's unexplored area. So uske liye bhi short note hume prepare karni chahiye, and it's very basic, it's very important to understand this theory for even understanding plate tectonic. Aur plate tectonic theory to bahut hi zyada important hai to answer any questions related to physical geography. And plate tectonic theory as a whole cannot be asked because it's a very big theory. But uske short notes, subtopics prepare karne chahiye jo aa sakte hain, like on mid oceanic ridge prepare karna chahiye, rift valley and block block mountains, uske concept, uska definitions aur understanding pata honi chahiye. Fold mountains, volcanic mountains or volcanic mountain chains or even volcanic islands, uski hame understanding honi chahiye. So suppose इससे map based question भी आ सकते हैं in prelims, like questions like which among the followings are the block mountains or which among the following are the fold mountains, तो हमें उसके basic understanding पता होनी चाहिए. Applied question भी आ सकते हैं, why the island of Southeast Asia are volcanic or why the Himalayas are not volcanic. So plate tectonic era is the most important part of physical geography. And the next is catastrophic events. Catastrophic events, there are many, like volcanism, earthquake, even in the minor catastrophic events. In volcanism, I think first we should prepare is the distribution of volcanic activity, that is the maybe mid-oceanic ridges and Mediterranean region, Pacific Ring of Fire. So distribution of volcanism on earth, that is one topic. Second is very interesting topic, hotspot volcanism. Now this is very interesting topic, it has never been asked. In the prelim and mains, I think it is important. For a short note, we can prepare. In volcanic landforms are this third topic. Both intrusive and extrusive landforms should be prepared. Then another interesting area is geyser and hot spring. That should be prepared. Then the next catastrophic events is earthquakes. So in earthquake, we should have basic understanding about how earthquake happens because of conversions or divergence or transform plate boundaries. And types of earthquake, that is shallow, intermediate, deep earthquakes, right? And even the other aspect is tsunami. So though tsunami is not a current topic, but hamesha uske brief understanding hona zaruri hai. Then I think minor catastrophic event like avalanches, mudslide, landslide, soil creep, this area can we also be asked as a short note. Now in this entire catastrophic events topic, कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे वाई जापान में अर्थक्वेक इतना फ्रिक्वेंट है या गुजरात में या जे एन के में. सो हमें पता होना चाहिए कि जापान जो है वो ट्राई जंक्शन ऑफ प्लेट्स के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है. इवन गुजरात सेम सिचुएशन, इट्स लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ थ्री प्लेट्स, राइट. इवन जे एन के बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट बाउंड्री. सो वेन एवर हम न्यूज़ में किसी भी जगह पर अर्थक्वेक का न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए, यू नो, वी शुड फाइंड इट आउट कि उसके पीछे क्या रीज़न है उस अर्थक्वेक होने के पीछे. सो इस तरह से अगर करंट में कोई न्यूज़ में होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं अर्थक्वेक या फ्लड या इवन वॉल्केनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आने में, इवन टॉर्नेडोज और साइक्लोन्स फॉर दैट सेम मैटर. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड से इज क्लाइमेटोलॉजी. Climatology, obviously first basic understanding of composition of atmosphere is very important. Prelim में से fact based question आ सकते हैं, right? तो अभी कुछ data अच्छे से पता होना चाहिए about composition of the atmosphere, all the gases and their contents. Second is structure of atmosphere, right? All the spheres of atmosphere from troposphere, stratosphere, ionosphere, thermosphere, all the spheres. उसमें से भी अप्लाइड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रीलिम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अप्लाइड क्वेश्चन में जैसे मैं कह सकती हूँ कि ट्रोपोस्फीयर में पूछ सकते हैं कि वाई द टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग वेल वी गो अप इन ट्रोपोस्फीयर, और वाई द टेम्परेचर कीप ऑन इंक्रीजिंग इन स्ट्रेटोस्फीयर वेल वी गो अप. और मे बी एंड सब टॉपिक ऑल्सो इन देयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, लाइक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और पोलर वर्टेक्स. Thermosphere is also very important topic for its content. You should have a brief idea about thermosphere. Then ionosphere is important for radio transmission. So its sub layer should also be known. Then magnetosphere, उसके भी सब टॉपिक्स है, अरोरा है, बैन एलन बेल्ट है, तो वो पता होना चाहिए, राइट. तो दिस इज द कंपोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर.
Next is adiabatic lapse rate. Now this is very important and very basic concept to understand entire climatology, right? Adiabatic lapse rate, that is the stability and instability of air parcels. So ye topic to understanding ke liye bahut important hai kyunki usi se climatology ke other aspect hame samajh mein aate hain. So this important, very important topic. Next is temperature inversion. This is a very favorite topic of UPSC. Kafi UPSC mein prelims mein aur mains mein se related question aate hain. Very easy to prepare. Types of temperature inversion ya usse applied based assertion reasoning based question bhi aa sakte hain. Next is clouds, types of clouds. So prelim mein aa sakte hain, you should be knowing the nomenclatures of all the clouds, their height, their locations and their names and their characteristics. The next is fog, meaning of fog, types of fog. This can be question can be asked. Bahut question aa chuke hai pehle bhi. तो फॉग का एक एरिया है जो मिस नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक मैं कहती हूँ जिससे एडवांस क्लाइमेटोलॉजी, और उसके अंदर मैं कहती हूँ टॉपिक्स लाइक प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ. दिस इज़ वेरी बेसिक, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और हेडली सेल, फेरल सेल, पोरल सेल एंड ऑल द थ्री सेल्स, उसमें किस तरह से एयर की मूवमेंट होती है वो हमें पता होना चाहिए, राइट. सेकेंड टॉपिक आई वुड से कोरियोलिस फोर्स, उस पर शॉर्ट नोट हमें इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करनी चाहिए, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स ही डिसाइड करता है द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो आई गेस कोरियोलिस फोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट. थर्ड आई वुड से वॉकर सेल. नाउ वी नो दैट दिस हेडली सेल और फेरल सेल और पोलार सेल आर द लैटिट्यूडनल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेल्स. द वॉकर सेल इज द लैटिट्यूडनल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल. तो दिस सेल शुड बी ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, वॉकर सेल एज अ शॉर्ट नोट. Then the next is planetary wind system. Now a planetary wind system is important, very basic basic concept, basic foundation of the understanding of climatology, right. And usme bhi applied question aa sakte hain, like why there are tropical deserts located in the tropics only on the western coast of the continents. So the reason is the offshore trade winds and the cold currents. So in that way applied based question bhi aa sakte hain. Next is seasonal winds, and that's the monsoon wind. And we know that not only in India monsoon winds are there, Asia ke aur alag part mein bhi hain. To monsoon winds se prepare karne chahiye as a short note. And the next is local winds. Local winds mein zyada matlab I don't think so as a mains question, but prelim question mein keh sakti hu, because nomenclatures abhi pata hone chahiye. I think all the Kochiliya book mein I think iske sare names hain of the all the local winds. Then the upper tropospheric atmosphere, usme jet stream is very important topic. Rossby waves is important one. Air mass is important. Fronts, all the fronts, types of the fronts mein pata hone chahiye. And uski fronts ki agar understanding ho tabhi hum jaan sakte hain temperate cyclones ke bare mein. To temperate cyclones we should be knowing. Then the agar temperate cyclone prepare kar rahe hain to saath mein hum tropical cyclone प्रिपेयर करना चाहिए. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के डिफरेंसेस, उसके कंपैरिजन हमें पता होनी चाहिए, राइट. द नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ ऑल द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वो कहाँ कहाँ में वर्ल्ड में लोकेटेड है, और उसकी इकोनॉमी, उसकी ज्योग्राफी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए. लाइक इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसमें रेन फॉरेस्ट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है. सवाना में उसके यूनिक फ्लोरा एंड फ्लोरा जो है उसकी इंपॉर्टेंस है. मॉनसून क्लाइमेट, एग्रीकल्चर आस्पेक्ट, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, उसकी वेजिटेशन, राइट. स्टेपे रीजन है वो ट्रक फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट इज नोन फॉर मार्केट गार्डनिंग. उसको मेडिटेरियन रीजन फॉर वाइन, वाइन यार्ड्स एंड यूनिक फ्लोरा एंड फोना, राइट. तो जिस तरह की सारे जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उसकी हमें एक टेबल बनाना चाहिए कि उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशंस कहाँ पर है. देन वहाँ पे उनकी इकोनॉमी, मतलब उस रीजन की, इस ज्योग्राफिकल कंडीशन की क्या क्या उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रही है, राइट. यूनिक फ्लोरा और फोना कौन से हैं, मतलब और डिफरेंट कुछ उनके एस्पेक्ट होते हैं, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, जैसे मेडियन रीजन्स में विंटर में रेनफॉल होता है. सच यूनिक आस्पेक्ट्स जो है सारे क्लाइमेटिक रीजन्स के, वो पता होने चाहिए. देन आई थिंक नेक्स्ट आई शुड टेक अप इज द ओशनोग्राफी. फर्स्ट इज ओशन बॉटम रिलीफ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइज एंड एबिसल प्लेन.
आपको सभी के फीचर्स भी पता होने चाहिए वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी में. लाइक कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेट्रोलियम रिजर्व, इवन एपिसल प्लेन में भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं. तो इस तरह से क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो भी पता होने चाहिए. सेकेंड इज़ द ओशन करंट्स. ओशन करंट्स में भी मैंने अभी जैसे बताया अप्लाइड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सारे ओशन करंट्स के नाम और उनकी लोकेशंस पता होने चाहिए. प्रीलिम में भी क्वेश्चन आ सकता है. देन थर्ड इज़ द ओशन टाइड. टाइडल टाइड के बारे में क्वेश्चन आप कर सकते हैं. देन द फोर्थ इज़ अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग. सो यू कैन प्रिपेयर द कंसेप्ट ऑफ अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग एंड मे बी देर कैन बी अ शॉर्ट नोट ऑन एक्मैन स्पायरल. सो दैट एरिया कैन बी प्रिपेयर. Other thing is about El Nino or La Nina. So it's very very important topic and very evolving area. It's still not fully understood but evolving area. So उसमें से कई बार न्यूज़ में आता रहता है इसके बारे में. Some new phenomena study has been happening around about La Nina and El Nino. So in connection of that Indian Ocean Dipole भी prepare करना चाहिए. Then third is the then the next is the temperature pattern of the ocean. Now it's vertical, it's like from depth and also its horizontal distribution hume pata hona chahiye. Then the salinity, the distribution of the salinity of the ocean vertical and the horizontal. Even climate change bhi related hai, like climate change and salinity of the ocean, climate change and temperature of the ocean. Now because of the melting of the ice, salinity of the ocean is also changed. So because of that it also implicate the marine biology too. So ye sare aspect ko dhyan mein rakhte hue oceanography prepare karna chahiye. The next is the geographical history of India. See geographical history of India is very important to learn kyunki uski wajah se agar hame geography pata hota hai pata chalta hai ki why are the location of some of the rivers or mountains or lakes in India, why some of the resources are there, where they are found today, like coal or petroleum hai ya other metallic minerals hai, right? So coal reserve, formation of lava plateau kyun hai, metallic minerals, formation of Himalayas and phases of formation of Himalayas. To wo sab I think hame isliye is sab aspect ke liye geographical history of India janna zaruri hai. Next is the physiography of India. Himalayas is the first one. Himalayas ke bare mein unke phases और उसके स्ट्रक्चर के पता होना चाहिए. दैन द पूर्वांचल इज़ ऑल्सो देयर. सो टाइप्स ऑफ हिमालय आए थे फॉर्मेशन. दैन नेक्स्ट इज़ द गंगेटिक प्लेन्स. सो भाबर, तेराई, पंगर, खादर, इस सब के बारे में पता होना चाहिए. सो दैट गंगेटिक प्लेन इज़ इम्पॉर्टेंट वन. दैन डेक्कन प्लेटू, विंडन रेंज, नर्मदा रिफ्ट वैली, देर मेनी अदर रीजन्स ऑफ डेक्कन प्लेटू. उस सब रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए. दैन द नेक्स्ट इज़ कोस्टल प्लेन्स, बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो देर उस रीजन कोस्टल प्लेन के भी काफ़ी ब्लड क्वेश्चन आ चुके हैं कि उस सारी जो रिवर है उस रीजन में स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की कंपैरिजन, ये सब भी आ सकता है क्वेश्चन में. द नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स एंड देर कंपैरिजन. एंड द नेक्स्ट इज़ आइलैंड्स ऑफ इंडिया. तो वो हमें पूरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ वाटर रिसोर्स. सो ऑल द रिवर्स, अवर लेक्स, अब अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स इंपॉर्टेंट एरिया है. सो सारी जो मेन हमारी रिवर सिस्टम्स हैं उनके ओरिजिन, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के ओरिजिन और सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सारी रिवर के पता होनी चाहिए, राइट? सो नॉर्दर्न रिवर्स करनी चाहिए अलग से प्रिपेयर, गेटिक सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, देन पेनिनसुलर सिस्टम, इवन कंपेरिजन बिटवीन नॉर्दर्न रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, राइट? इवन पेनिनसुलर रिवर्स में भी स्मॉल रिवर्स भी उसके हमें पता होने चाहिए, लोकेशन इन एटलास, महानदी या साबरमती, तापी, राइट, वैगई रिवर्स. सो उनकी लोकेशंस पता होने चाहिए. इवन रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. अदर इज़ द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स. उसके पता होने चाहिए कहाँ कहाँ इंडिया में अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स कितने हैं और कितना मिलता है, और इश्यूज़ रिलेटेड टू अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स, कंटामिनेशंस एंड ग्राउंड वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए. देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सीजन्स ऑफ इंडिया लाइक विंटर, समर और मानसून स्पेसिफिकली, और मानसून के सारे फेजेस क्यों ब्रेक्स होते हैं मानसून में, राइट? तो इंडियन मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट्स नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसके सब पता होने चाहिए.
Then the other aspects of Indian monsoon, that is flood, drought. तो वो हमें पता होना चाहिए क्यों इंडिया में कुछ जगह पे फ्लड प्रोन रीजन है, कुछ वाई ड्रॉट प्रोन रीजन, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हम किस तरह के उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड एग्रीकल्चर आस्पेक्ट्स वो हमें पता होने चाहिए. इनोवेटिव टेक्निक अबाउट एग्रीकल्चर, ड्रॉट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस और फ्लड रेजिस्टेंस प्रैक्टिस, किस तरह से फ्लड सिचुएशन को कर्व कर सकते हैं, तो ये सारे आस्पेक्ट भी हमें पता होने चाहिए. Then the vegetation type of India, the area and different types of vegetation, and I think this is only important for prelims. So wohi prepare karna chahiye. The next is soils of India, the aluminium soil or black soil, right? Red soil, lateritic soil, aur us sari soils ki characteristic kya hai, right? और उस सारे जो टॉपिक है उसके सॉरी इस सारे के जो सॉइल्स उसमें कौन कौन से क्रॉप्स उस जो है वो पैदा हो सकता है, कौन सी जो सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो ये सारी सॉइल को हम प्रिपेयर करना चाहिए. लाइक सॉइल की फॉर्मेशन, उसकी प्रोफाइल, ये भी प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली जो हम देखते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन सॉइल के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, इवन सॉइल सैलिनेशन, डेजर्टिफिकेशन, तो ये सारे सॉइल के आस्पेक्ट हमें पता होने चाहिए और उसके सॉल्यूशंस, उसकी कंजर्वेशन के सॉल्यूशंस भी हमें पता होने चाहिए. देन द नेक्स्ट इज इंडियन एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक. माई फेवरेट टॉपिक, इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन एग्रीकल्चर. सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमें पता होने चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट्स का है, कौन से सॉइल और कौन से इन्वायरमेंट में होते हैं, कौन से पर्टिकुलर मिनरल्स होने चाहिए, राइट? और उनसे रिलेटेड इशूज लाइक सपोज करेंटली कॉटन प्लांटेशन के क्या इशू हैं, या ऑयल सीड के क्या इशू है, शुगर इंडस्ट्री के क्या इशूज़ हैं, तो एक करंट कुछ क्रॉप्स के रिलेटेड इशूज ही पता होने चाहिए. देन लैंड इशूज, इंडिया में कौन कौन से लैंड फ्रेगमेंटेशन के इशू हैं, जैसे हमने पहले देखा लॉयस इरोजन के भी इशूज़ हैं, तो लैंड के रिलेटेड इशूज़ भी हमें पता होने चाहिए. देन द नेक्स्ट इज एग्रो क्लाइमेटिक रीजन. इंडिया जो है पूरा एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइडेड है, तो पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर टाइप के एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज़ द इरीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इंडिया में इरीगेशन की बहुत ज़रूरत है और हमें ये पता होना चाहिए कि कैनाल इरीगेशन वर्सेस मैक्रो इरीगेशन, तो उन दोनों की कंपैरिजन और हमें किस तरह का इरीगेशन इंडिया में करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. एंड देन नाउ गवर्नमेंट जो परस्यू करी एवरग्रीन रिवोल्यूशन, तो एवरग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, राइट? और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो नई नई चीज़ें आ रही है, ग्रीन मैन्योर, बायो कंपोस्ट, तो सारी जो नई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या हम कह सकते हैं क्लाइमेट रेजिस्टेंट टेक्निक जो एग्रीकल्चर की आ रही है, नए इनोवेशंस एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो वो हमें नई टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तो फॉर बिकॉज ऑफ विच हम अपने मेंस कैंसर को एनरिच कर सकते हैं, राइट? एंड द नेक्स्ट कैन बी डेयरी एंड फॉरेस्ट्री. सो डेयरी रिलेटेड जो गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आ रही हैं, ब्रू रिवोल्यूशन या गवर्नमेंट की जो भी नए इनिशिएटिव है रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक, वो हमें पता होने चाहिए, राइट? सो इवन दैट गवर्नमेंट अभी रिसेंटली आई थिंक नेटिव ब्रीड कंजर्वेशन के लिए भी ट्राई कर रही है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. द नेक्स्ट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. सो मेटालिक मिनरल्स, सी इट्स वेरी आउटडेटेड टॉपिक, आई नो आयरन, मैंगनीज, मीका, लेकिन इस एटलीस्ट इन सबकी माइंड हमें पता होनी चाहिए और कहाँ पर इंडिया में वो मिलते हैं. बट आई थिंक मिनरल्स से ज़्यादा मतलब मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कोल, पेट्रोलियम एंड रिन्यूअल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी मुझे लगता है. तो कोल के सारी माइंस इंडिया में कहाँ पर है और कोल से रिलेटेड इश्यूज़ इंडिया में क्या है, डिस्पाइट हमारे पास लार्ज रिजर्व है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो इंडिया के कोल का प्रॉब्लम क्या है. पेट्रोलियम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो बन रहा है वो रिसेंटली न्यूज़ में है, पेट्रोलियम में वो सब इम्पोर्टेंट प्रिपेयर कर सकते हैं. देन रेयर अर्थ कि माइंस इंडिया में कहाँ पर है और इंडिया क्यों रेयर अर्थ को माइन नहीं कर रहा है टू इट्स फुल पोटेंशियल, वो हमें पता होना चाहिए. देन न्यूक्लियर एनर्जी, तो यूरेनियम और थोरियन की माइंस इंडिया में कहाँ पर है, इवन वर्ल्ड में कहाँ पर है, और इंडिया का 3-stage न्यूक्लियर प्लान वो क्या है हमें पता होना चाहिए. देन ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज भी रिसेंटली फाइंड हुए, जैसे गैस हाइड्रेट इंडियन ओशन में मिले हैं, फिर कोल बेड मिथेन है, बेसिन सेंटर्ड गैस है, शेल गैस है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है, तो ये सारे अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, गवर्नमेंट इसको बहुत फोकस कर रही है, तो जो सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए.
नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. नाउ इट्स इकोलॉजी का ये पूरा एक अलग टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शंस उसका ज्योग्राफी से जो है वो ओवरलैप होता है. जैसे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उनके लोकेशंस इंडिया में कहाँ है पता होने चाहिए. पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए कुछ पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स जाने जाते हैं, तो कौन सी स्पीसीज़ इंडिया में और कहाँ पे वो पाई जाती है वो पता होना चाहिए हमें. देन आई थिंक सम रिलेटेड पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज़ लाइक मरीन पॉल्यूशन, अर्बन फ्लड, हीट टैलेंट, सॉल्ट कॉन्टामिनेशन, अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, डिफॉरेस्टेशन, राइजिंग वाटर टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर, देन माइनिंग अक्रॉस रिवर बैंक्स, कोस्टल इरोजन्स, ये सारे इश्यूज़ जो करंट इश्यूज़ है पॉल्यूशन से रिलेटेड वो हमें प्रिपेयर करने चाहिए. देन सम क्वेश्चंस लाइक व्हाई एंटार्क्टिका इज़ बीन स्टडीड फॉर क्लाइमेट चेंज पर्पज, और हाउ ह्यूमन स्टेटस गिवन टू रिवर्स कैन बेनिफिट फॉर देयर कंजर्वेशन. तो ये कुछ करंट रिलेटेड इश्यूज़ हमें पता होने चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी. वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो एट लास्ट हमें प्रिपेयर करना है बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. सो मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी हमें पता होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज, देयर लोकेशंस एंड देयर सम फिजिकल आस्पेक्ट, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ देयर ऑफ दोज कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स, रिवर्स, लेक्स, कुछ स्मॉल सीज होते हैं, पासिस होते हैं, तो वो सब हम पता होना चाहिए. उसके बाद मेंस में अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंस इज़ चाइना, यूएसए एंड रशिया. और उसके बाद हम प्रिपेयर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, राइट, कैनेडा, और उसके बाद आई थिंक वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उन सभी इस रीजन के बारे में उनकी फिजिकल ज्योग्राफी, उनके इम्पॉर्टेंट माउंटेन चेन्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, वो सब पता होना चाहिए. और उसके बाद उनके इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं और इंडस्ट्रियल रीजन्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो ये सब और इवन एग्रीकल्चर आस्पेक्ट, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट, ये सब उस रीजन के बारे में पता होना चाहिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी. सो आई थिंक आई एम डन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी और वॉट टू प्रिपेयर इन ज्योग्राफी एंड फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन इन यूपीएससी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू.